नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसा राजमा बनाएंगे जो बिना उबाले ही बन जाता है और बिना टमाटर का बनाएंगे। एकदम देसी तरीके से बनाएंगे। राजमा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके लिए हमने राजमा ले लिया 250 ग्राम। इसको अच्छे से फुला दिया था, फूल गया। 4-5 घंटे के लिए फुला देना है। देखिए राजमा फूल चुका है। इसको बॉयल नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। उसके लिए कुकर ले लेना। अब कुकर में तेल डाल देना है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। अब खड़े मसाले डाल देना। खड़े मसाले में हमने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ले लिया है। इनको अच्छे से पका लेना है। अब जीरा डाल देना है। हींग भी डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। अब कूटा हुआ अदरक लहसुन डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से पका लेना है। बढ़िया सा भून लेना है। भून जाने के बाद अब प्याज को डाल देना है। 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देना है। अगर पीस के डालना चाहते तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। अब प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। जब तक प्याज भून रहा तब तक मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए कटोरी ले लेना है। उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। अब सारी चीज़ें अच्छे से फुला देना है। ऐसा करने से मसाला अच्छे से फूल जाता है तो टेस्टी सब्जी बनती है। अब एक बार फिर प्याज को चला देना है। देखिए प्याज भी अच्छे से भुन चुका है। बढ़िया सा लाल लाल हो जाता है तभी सब्जी टेस्टी बनती है। अब मसाले को डाल देना है। जो घोल के रखा था उसको डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल देना है जो कटोरी में लगा है, और अच्छे से चला देना है। अब मसाले को ढक के पका लेना है, जिससे मसाला अच्छे से पक जाएगा। देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। तेल सेपरेट हो चुका है। बिना टमाटर का बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनता है ये। अब राजमा डाल देना है और अच्छे से चला देना है। ये राजमा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और बहुत अच्छे से पक जाता है राजमा। इसमें बॉयल करने का झंझट ख़त्म हो जाता है। अब खटाई डाल देना है, या फिर आमचूर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल देना है। अब थोड़ा सा दूध की मलाई डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिना दूध की मलाई से भी बना सकते हैं। अच्छे से चलाने के बाद पानी डाल देना है। अब 5-6 सीटी आने तक पका लेना है। 4-5 सीटी में ही अच्छे से गल जाता है। देखिए सीटी आ चुकी है। अब इसको उतार लिया है। अब एक बार चेक कर लेना है कि राजमा पका है कि कच्चा ही है। लेकिन राजमा पक चुका है और बहुत अच्छे से गल चुका है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए बिना टमाटर का ही कितना अच्छा ग्रेवी बना है। और बहुत गाढ़ी ग्रेवी बनती है। आप लोग इसको चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। खटाई डालने से टमाटर का काम करती है और खट्टा राजमा हो जाता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत